ये हमारे पास एक ड्राइंग है जो एक ट्रे बनाना है, जिसका लंबाई 150 mm, चौड़ाई 100 mm और ये 30 mm इसकी हाइट है, जो उसके कॉर्नर बनेंगे बॉर्डर। और ये जो 5 mm लगभग हम लिए हुए हैं एक्स्ट्रा मेटल का, जो मार्जिन के लिए मार्जिन छोड़े हुए हैं, जो सिंगल हेम बनाएंगे, इन मतलब कि उसके कॉर्नर को मोड़ेंगे, ताकि ट्रे यूज करने के दौरान हाथ वगैरह में कटने का डर नहीं रहेगा। ड्राइंग के अनुसार हम ये एक एल्युमिनियम का चादर ले लिए हैं, और इस पे अभी हम आपको मार्किंग करके बताते हैं कि इस ड्राइंग के अनुसार इस पे कैसे मार्किंग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्राइंग के अनुसार हम इस सीट पे मार्किंग कर लिए हैं। अब इसको हम स्निप से जो स्ट्रेट स्निप है, जिसको कैंची बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, इससे कैसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग के अनुसार लाइन है चारों किनारे पे, हम सबसे पहले इसको इस तरह से यहाँ से स्नैप है स्निप से इसको कटिंग करेंगे। देख रहे हैं इस कॉर्नर तक जहाँ मार्किंग किए हैं, वहाँ तक इसको बारी बारी से हम कटिंग कर लेंगे। याद रखें, स्निप चलाते समय हमेशा कभी भी, जब अगर लंबा कटिंग कर रहे हैं तो लाइन पे हम हाफ हाफ कटिंग करके ही कटिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, लाइन सीधा होने की संभावना अत्यधिक रहेगी। अब उसके बाद इसका जो ये कॉर्नर है, इसको काट करके हम निकाल लेंगे चारों को बारी बारी। ये कॉर्नर इस तरह से हम चारों का बारी बारी से निकाल लेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्जिन के जो एक्स्ट्रा छोड़े होते हैं, उससे यहाँ जो ये डिवेट जो कॉर्नर मूड करके फिर इसके साथ अटैच होगा, जब इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ लगभग 1 mm नीचे आप काटिए, जिससे इसको फोल्ड करने में आपको क्या होगी, थोड़ी सुविधा होगी, और साइज छोटा हो जाने के कारण प्रॉपर पकड़ में भी सही से आ जाएगा। तो इस तरह से इसके चारों जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन का लाइन लगाए हुए थे, इसको काट कर हटा देंगे, और इसके इस कॉर्नर से भी हम इसको कटिंग कर देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा था, इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे, और इसको बचा के रखेंगे। अगर आप चुके जरूरत ना हो, इसे आप हटा भी सकते हैं, लेकिन इसको बचा के रखेंगे तो बाद में यहाँ जब इसको मार्जिन के लिए फोल्ड करेंगे वहाँ पे ये काम आ जाएगा। तो इसकी पकड़ जो होगी ऊपर वाले भाग की, वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी। जो हम मार्जिन के लिए जो छोड़े हुए थे, इसको एक बार इसके पीछे वाले सतह से हटा देंगे, जिसको हम सिंगल हेम बोलते हैं। अगर इसको दोबारा मोड़ेंगे तो उसको हम डबल हेम बोलते हैं। इसको इस तरह से नीचे एक देख रहे हैं हार्ड मेटल लिए हुए हैं, जिसका कॉर्नर पूरा शार्पनेस है 90 डिग्री पे। इसके कॉर्नर पे ये जो लाइन मारे हैं मार्जिन का, इसको दोनों तरफ बराबर मिला लेंगे हल्का सा फोल्ड करके, और इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे, इसके चारों कॉर्नर को मोड़ लेंगे, इस तरह से इसके चारों कॉर्नर को फोल्ड कर देंगे। ये है, इसको वुड हैमर के नाम से जानते हैं, जो मैलेट के श्रेणी में आता है। इसको आप, दूसरा तरीका है कि जब इसकी लंबाई अगर छोटी है तो आप इसको बेंच वाइस में भी बांध करके हाथ से इसको आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब लंबा रहेगा समकोण का पत्ती सॉलिड रखना पड़ेगा, जिससे आपको इसको फोल्ड करने में। तो देखिए जैसा इसको हम फोल्ड किए थे, इसको फिर पलट करके इसको हम इसके साथ हैमरिंग कर देंगे, इसी को बोलते हैं
सिंगल हैंड, इसी को दोबारा मोड़ते हैं, इसको बोलते हैं डबल हैंड। ये जो है अब इसको ट्रे के, इसको फोल्ड करके अब इसको ट्रे का साइज देंगे। अब इसके सारे किनारे को जो ये हाइट के लिए छोड़े हुए थे उसके बॉर्डर के लिए इसको फोल्ड करेंगे। इसको भी आप ये बगल में वाइज देख रहे हैं, इसमें इस तरह से आप इसको बांध सकते हैं और लाइन को मिला करके इसको आपस में फोल्ड कर सकते हैं। जब छोटा साइज का होगा इसको कस दीजिए और फोल्ड कर लीजिए, लेकिन जब बड़ा साइज का होगा तो किसी शीट मेटल की सहायता से आप इसको लाइन मिला करके और इस तरह से इसको फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से इसको आप फोल्ड कर सकते हैं, इसी तरह से इसको बारी बारी से सभी साइजों को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हल्का सा हैमरिंग कर देंगे ताकि ये जो भी था वो स्टिक हो जाए। अब ये देखिए इसको हम चारों कॉर्नर को मोड़ लिए हैं। उसके बाद इसके जो पीछे वाला ये भाग था जो एक्स्ट्रा हम निकाले होते हैं, इसको सब इसके अंदर डालेंगे और इसको हैमरिंग कर देंगे।